लेलन का BS3 गाड़ी है, इसमें टेम्परेचर का मीटर कुछ भी, हेडलाइट या पार्किंग कुछ भी इंडिकेटर चलाइए, इसमें मीटर इसका देखिए भगने लगता है, हाई पे जाता है, देख लेते हैं। मीटर देखिए इसका अभी 100 पे है, इंडिकेटर चलाएंगे, ये इंडिकेटर का स्विच लगा हुआ है, देखिए यही प्रॉब्लम है भाई, इसको शॉर्ट आउट करेंगे। चलिए देखते हैं ये कहाँ से फॉल्ट है, अर्थिंग का प्रॉब्लम है कि कहीं से वायरिंग सट रहा है कि वायरिंग शॉर्टेज है। इसको चालू रहने देते, कुछ भी चालू कीजिए, ये पार्किंग है, देखिए पार्किंग चलने से भी होता है, इधर इधर ब्रेक दबाएंगे, ब्रेक दबाने से भी होता है, देख रहे हैं इंडिकेटर चलाने से तो ज़्यादा हो रहा भाई। चलिए ये देखिए इसका टेम्परेचर स्विच खोले हुए हैं, इसमें कितना सारा कार्बन आ गया हुआ है, इसको क्लीन करेंगे फिर दोबारा लगाएंगे और फिर चेक करेंगे। इस 24 नंबर पाना या चाबी से खुलता है, ये यहाँ रहता है जहाँ पे इसका थर्मोस्टेट वाल लगता है, इसके अंदर थर्मोस्टेट वाल लगता है, देखिए देख लिए नीचे यहीं पर लगता है, एक ऊपर स्विच दिया, वो जो देख रहे हैं खुला हुआ वहीं पर लगेगा ये चीज़, इसको क्लीन करेंगे दोबारा चेक करेंगे। इसको बढ़िया तरीके से क्लीन कर लिए हैं इसके मदद से, सीरीज कागज़ की मदद से, अब इसको लगा करके हम चेक करेंगे जो मेरा टेम्परेचर का दिक्कत चल रहा था वो सही हुआ कि नहीं। ये देखिए टेम्परेचर का अभी क्लिप निकला हुआ है, इंडिकेटर चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर वायरिंग का दिक्कत रहता तो फिर भी इधर उधर जाता भाई, ये बिल्कुल सही है। देखिए ग्राउंड वगैरह दिया हुआ है इसमें, मीटर में भी दिए हुए हैं अर्थिंग अलग से, ये देखिए अर्थिंग दिया हुआ ही, इंडिकेटर प्रॉब्लम कर रहा, वो टेम्परेचर हाई जा रहा था इसके चक्कर में। इसमें दिक्कत क्या होता है कि टेम्परेचर हाई जाता, टेम्परेचर सिर्फ हाई जाता है, इंजन टेम्परेचर नहीं होता है, ये वाल से दिक्कत होता है, वायरिंग से दिक्कत होता है, ग्राउंड इसको प्रॉपर नहीं मिलता है उसके वजह से भी दिक्कत होता है। तो ग्राउंड मेरा सब चीज़ तो कम्प्लीट था, ये वाल में कार्बन आ गया था, इसको मैंने क्लीन किया और फिर लगा करके दोबारा चेक करते जो मेरा प्रॉब्लम था वो शॉर्ट आउट हुआ कि नहीं। चलिए देख लेते हैं ये सीरीज कागज़ से बढ़िया से, कभी कभी अगर साफ नहीं करना चाहते तो नया डाल दीजिए, ज़्यादा बेटर रहता है कि नया डालिए आप। चलिए देख लेते हैं इसमें, इसको लगाते हैं फिर देखते हैं। कैसे लगता है इसको देख लीजिए, ये देखिए 24-27 के रिंग से इसको हम प्रॉपर बढ़िया तरीके से टाइट कर लिए हैं, देखिए बढ़िया तरीके से टाइट कर लिए, इसका जो क्लिप है वो क्लिप को अगर ग्राउंड कीजिएगा तो टेम्परेचर फुल में जाएगा, देखिए इसको क्लिप को हम ग्राउंड में टच कर लेते हैं, अब फिर देखते हैं। देखिए टेम्परेचर हाई चल गया और सीटी मुख भी मार रहा है, इसको इसमें लगा देते हैं। अभी इसका टेम्परेचर देखिए कितना पे गया, 60-70 पे है, तो ठीक है अब इंडिकेटर चला करके देखते हैं हिल डोल करता है क्या, देखिए बिल्कुल इधर उधर नहीं जा रहा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, चाहे हेडलाइट जला दीजिए या फिर पार्किंग जला दीजिए, सही काम कर रहा है। चलिए पानी डलवाते हैं फिर गाड़ी रनिंग करके देखेंगे। देखिए ब्रेक दबा रहे हैं, दबा के रखे हैं फिर भी कांटा इधर उधर नहीं जा रहा है, अभी ये प्रॉपर काम कर रहा है भाई। ज़्यादातर दिक्कत वगैरह होता है तो इसको क्या है ग्राउंड भी दे दीजिए, दिखाते हैं इसका ग्राउंड कैसे दिया, देखिए ये देखिए इसका ग्राउंड दिया है अलग से दे दिए हैं ग्राउंड, ये टेम्परेचर का है, इस पर एक 24 वोल्ट का करंट जाता है और एक ग्राउंड जाता है आपका
चाबी एक नेशन ऑन कीजिएगा तो 24 वोल्ट करंट जाएगा, एक ग्राउंड जाएगा। एक और जो पिन रहता है, 3 पिन का रहता है, वो सीधा आपका ये टेम्परेचर वाल के पास जाता है। चलिए।